अन गेटिंग सो मैनी मैसेजेस कि किस तरह से आपने अपना स्टैमर ठीक किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वन से कि आई रियली फील फॉर यू गाइज क्योंकि जिसके थ्रू आप गुज़र रहे हो उसके थ्रू ही मैं गुजर रहा हूँ यही चीज़ें मैंने सफ़र की हैं यही इनसेरिटीज़ मेरे में भी हैं तो आप जो चीज़ कह रहे हैं मैं उसको समझ सकता हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में तीन से चार स्टेप जो है वो बताऊँगा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बताऊँगा स्टैमर से आ, इसी के बारे में सो विदर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड हाई सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ कि बहुत से लोग मुझे ये मैसेज करके पूछते हैं कि अपने अपने स्टैमर कैसे ठीक किया तो मैं आपको ये ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा स्टैमर आज तक ठीक ना हुआ है और ना आगे जाके ठीक होगा तो यहाँ पर चाहे आप किसी भी भी सेलिब्रिटी की ले लें जैसे आप ऋतिक रोशन की एग्जाम्पल ले लें आप एड शीरन की एग्जाम्पल ले लें वो भी आज तक अपना स्टैमर ठीक नहीं कर पाए हैं क्योंकि स्टैमरिंग एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता इसको कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है लेकिन पूरा इसको ठीक करना ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है तो मैं भी आज तक सफ़र ये चीज़ करते आ रहा हूँ और इसके थ्रू आई थिंक थ्रू आउट दी लाइफ गुजरना पड़ेगा फिर भी मैं आपको तीन से चार स्टेप्स बताऊँगा जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप था वो था वो बुक्स को जोर जोर से पढ़ना तो उसको मैं आज के टाइम पर भी कर रहा हूँ मैं इस टाइम पर मेडिटेशन बुक पढ़ रहा हूँ मार्कस आरेलियस की तो उन बुक्स को जोर जोर से पढ़ना उनको जोर जोर से पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस होती है तो यहाँ पर आपका यह है कि आपका कॉन्शियस एफर्ट लगता है बोलने की तरफ आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बुक की जो स्टोरी है उसके ऊपर चाहे आपका ध्यान ना हो आपने बोलने की तरफ ध्यान देना है हर वर्ड को जैसे उसको बोला जाता है वैसे उसको बोलने की कोशिश करनी है तो यहाँ से आपके बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है वहीं पर आप शीशे में देखकर भी बोल सकते हैं जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था तो ये एक दो चीज़ें आप इनको फॉलो कर सकते हैं उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ब्रीदिंग आप बोलते हुए देखना आप जब भी मोस्टली लोग स्टैमर करते हैं उस टाइम पर उनको सांस अच्छे से नहीं आ पा रही होती वो इसलिए क्योंकि वो नर्वस होते हैं या उनका ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं रहता तो अगर आप मेरी तरह स्टैमरर हैं तो आपका ब्रीदिंग पर स्पेशली ध्यान होना चाहिए कि आप ब्रीद करें अच्छी तरह से बात करते हुए भी ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यू रहे ताकि आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी वो ना हो पाए अच्छे से सांस अंदर लें सांस बाहर ले, आप छोड़ें तो ब्रीदिंग को भी अगर आप कंट्रोल करना सीख सकते हैं वो भी मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताता हूँ किस तरह से आप इसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं उसके बाद थर्ड स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि आप बोलने का पेस जो है वो थोड़ा सा कम कर लें अगर आपका स्टैमर आप नोटिस करें अगर इस वजह से है कि आप तेज़ तेज़ बोलते हैं या फिर अगर आप फिर भी अगर आप स्टैमर करते हैं तो आप थोड़ा सा पेस कम करके देखें अब जैसे ही पेस कम करेंगे उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सांस लेने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी क्योंकि जब आप स्लोली बोलेंगे तो उस टाइम पर आप अपनी ब्रीदिंग भी अच्छे से कर पाएंगे तो ये भी एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जैसे मैंने यहाँ पर आ, 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 जैसे मैं पॉजिज़ लेता हूँ तो ये भी एक टेक्निक है अपने स्टैमर को इरेडिकेट करने की क्योंकि जब मुझे लगता है कि मैं स्टैमर करने वाला हूँ वहीं पर मैं पॉज़ ले लेता हूँ अपना जो बोलने का पेस है उसको मैं ब्रेक कर देता हूं तो ये भी एक टेक्निक आ जाती है अपने आ, इसको ठीक करने की उसके साथ में जो मैं आपको ब्रीदिंग ठीक करने के लिए जो टेक्निक बताऊँगा तो वो आती है मेडिटेशन आजकल बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सारी स्ट्रेस होती है और स्पेशली अगर आप मेरी तरह हैं तो आपकी स्ट्रेस डबल होती है क्योंकि जब भी कोई घर वाला घर के लोग बोलते हैं कि शॉप पर जाके ये सामान लेने आओ तो मुझे पता है कि अंदर अंदर ये फील होता है कि मैं शॉप पर जाके कैसे बोलूँगा मुझे स्टैमर हो जाएगा या फिर अगर दोस्तों से बात करनी होती है तो पहले ही लगता है कि Uh, मुझे स्टैमर हो जाएगा और uh, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा तो एक नॉर्मल इंसान जो होता है उससे डबल स्ट्रेस एक स्टैमर की लाइफ में होती है तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं मैं पिछले एक या दो महीनों से लगातार मेडिटेशन करते आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पर एक पेज है ल्यू करके मुझे उनका नाम याद नहीं है लेकिन मैं उनका स्क्रीन अटैच कर दूंगा तो उन्होंने पोस्ट किया था कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आप अनुलोम विलोम स्टार्ट करें तो मैंने अनुलोम विलोम हाउ टू डू अनुलोम विलोम की यूट्यूब पर वीडियो सर्च की थी और मैंने जब से वो स्टार्ट किया है तो आई कैन डेफिनेटली फील कि मैं पहले से थोड़ा काम रहता हूँ थोड़ा स्ट्रेस जो है वो लाइफ में कम हुई है थोड़ी एनजाइटी कम हुई है थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा है तो मैं अभी आपको ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप सुबह उठकर या फिर शाम को जब भी आपके पास टाइम है जस्ट मेक श्योर कि आप अकेले हों तो आप अनुलोम विलोम करना स्टार्ट करें या फिर आप सिंपली मेडिटेशन करना भी अगर स्टार्ट करें तो ये भी आपको आ, आपकी जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर कंट्रोल पाने में हेल्प करेगी और आपकी एनजाइटी दूर करेगी और मोस्टली लोग स्टैमर तब ही करते हैं जब उनकी लाइफ में एंगजाइटी ज़्यादा होती है मैं अगर पर्सनली बताऊं तो जो मेरे दिन अच्छे निकल रहे होते हैं जिन दिनों में मेरे साथ अच्छा अच्छा अच्छी चीज़ें हो रही होती हैं तो उन दिनों में मैं स्टैमर कम करता हूं। एज़ कम्पेयर टू जब मेरी लाइफ में स्ट्रेस होती है कुछ फेलियर्स आ रहे होते हैं कोई करियर की टेंशन है तो उस टाइम पर मैं स्टैमर ज़्यादा करता हूँ तो ये तीन से चार स्टेप्स से मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि आपने किस तरह से ठीक किया तो मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आई कैन फील यू कि आप भी ठीक करना चाहते हैं आपको लगता है कि मैंने ठीक कर लिया है किस तरह से किया लेकिन मैंने आज तक ठीक नहीं किया यहाँ पर मैं अकेले बोल रहा हूँ तो इस टाइम पर मुझे मेरे कॉन्फिडेंस पर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो पा रही लेकिन वहीं पर अगर मैंने बहुत से लोगों के सामने इस टाइम पर भी बोलना हो तो मैं आज के टाइम पर भी नर्वस फील करूँगा आज के टाइम पर भी मैं स्टैमर कर दूँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको फाइनली यही चीज़ बोलूँगा कि यार ये जो प्रॉब्लम है इसको पूरी तरह से हम ठीक कभी नहीं कर पाएंगे इसके साथ हमारी स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहेगी लेकिन कोशिश करें बुक्स पढ़ें शीशे में देखकर बोलें अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें मेडिटेशन करना स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल पा लेंगे और उसी के साथ साथ आपकी लाइफ भी आई थिंक ही इम्प्रूव होती जाएगी फिर भी मैं आगे मुझे और भी जो पॉइंट्स याद आएंगे तो मैं आपकी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ये तो नहीं बता सकता कि किस तरह से ठीक की तो जर्नी मैं शेयर करता रहूंगा सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एज सी यू अगेन